नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर रीड आउट कर रहे थे। नेक्स्ट फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्सेज मस्कुलर फोर्सेज। अब जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस पे हमारा कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है, चाहे हम पुश का लगा रहे हों या फिर पुल करने का। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्टैक्ट के बिना, क्योंकि हम उसे मूव नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बात फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन क्या चीज़ होता है, कोई चीज़ है जैसे ज़मीन के ऊपर पड़ी है, जब हम उसको धक्का देते हैं तो फिर वो स्मूदली नहीं जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सरफेस है और ऑब्जेक्ट का बीच में क्या लग रहा है, हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, चाहे वो एक टेबल है, चाहे वो कोई और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, हमारा एक फोर्स है। वो हमेशा क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम गाड़ी को या फिर किसी भी चीज़ को आगे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो वो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तभी हमें कोई चीज़ को पुश करने में, धक्का देने में हमें क्या आती है, दिक्कत होती है। ठीक है, वही हम अगर जैसे सरफेस को ऑयल वगैरह से लगा दें, ऑयल वगैरह लगा दें, तो क्या होता है, वो फोर्स फ्रिक्शन की अमाउंट कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए वो कोई भी ऑयली या फिर चिकनाई वाले सरफेस पे हमारी कोई चीज़ें आसानी से मूव करने लगती है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेज तो हमने देखे हैं, और अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होते हैं हमारे। ऑब्वियसली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज से ही पता चल रहा है हमारे नाम से ही कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होगा। और बिना कॉन्टैक्ट के कौन से फोर्स होते हैं हमारे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं होता, दूर से ही वो हमारे फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ हमें 11.10 में दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन वाले को, सॉरी सेम डायरेक्शन वाले मैग्नेट को, दो को पास में लाया जाता है, तब वो क्या करता है, उसको पुश करता है। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाले को लाया जाए तो उसको क्या करता है, पुल करता है वो। ठीक है, बिना किसी कॉन्टैक्ट के। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कोई भी चीज़ को हम जैसे ऊपर से फेंकते हैं या एक बॉल लेते हैं, हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाद में नीचे आ जाती है। नीचे क्यों आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाती है। हर चीज़ पे कितना फोर्स लगता है हमारे, ग्रेविटी का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवार्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर बात करते हैं हम प्रेशर की। अब प्रेशर क्या होता है हमारा, यू हैव लर्न्ड इन क्लास 7th दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेज इन एयर प्रेशर। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। अब फोर्स और प्रेशर के बीच में वो हमें क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है। Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the point end of the nail, plays a role in making these task easier? The force acting on a unit area of surface is called pressure. अब unit area पे जितना force लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, pressure. Relation क्या आता है हमारा, pressure is equal to force upon area. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, pressure. एक example के साथ इस चीज़ को समझते हैं। जैसे एक चाकू लिया है हमने, ठीक है, उसकी जो धार होती है वो बिल्कुल ब्लंट है, मतलब बिल्कुल भी धार नहीं है, तो हम उसको किसी चीज़ से, मतलब उस चीज़ से किसी को काटने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। वहीं हम उसको तीखा कर ले, तीखा करने का मतलब क्या है, उसकी मतलब सरफेस एरिया को हम बिल्कुल कम कर दें तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ को काट पाएगा। ठीक है, तो यानी जितना एरिया कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रेशर लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर और एरिया का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, जितना एरिया ज़्यादा प्रेशर उतना कम। या फिर एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, पानी की हमारी पाइप होती है, ठीक है, नॉर्मली हम पानी की पाइप में पानी चालू कर देंगे तो पानी निकल रहा है पाइप में से, लेकिन अगर हम उसका जो एग्जिट पॉइंट है उसका एरिया कम कर दें, यानी जब हम थंब लगाते हैं उसका एरिया कम कर देते हैं तो थोड़ा एरिया बच जाता है पानी निकलने के लिए, इसलिए प्रेशर कितना होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्या है, प्रेशर का एक एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट है प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस।
अब लिक्विड और गैसेज का हमने भी प्रेशर देखा ही है अभी तक। अब गैसेज का प्रेशर कैसे होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल में आप देखते हो गैसेज फिल की होती है, ठीक है, कार्बोनेटेड गैसेज। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, बोतल के अंदर पानी है और नीचे एक बिलो पॉइंट पे एक उसका एग्जिट पॉइंट बना रखा है, और साथ में क्या कर रखा है, एक बैलून को उससे अटैच कर रखा है। अब पानी नीचे आएगा प्रेशर के साथ, ठीक है, क्योंकि उसकी एक हाइट पे है पानी, एक प्रेशर के साथ आएगा, तब तक वो उस बैलून को फिल करेगा जब तक फोर्स ऑफ वाटर इन बैलून एंड फोर्स कमिंग बिलो इक्वल ना हो जाए, यानी जो ऊपर से पानी आ रहा है वो और बैलून पे जितना फोर्स लग रहा है वो बराबर ना हो जाए, तब तक बैलून हमारा फिल होगा। फिर नेक्स्ट हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा, द एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमोस्फेयर, द एटमोस्फेयर एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इज दिस सिलेंडर इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब हम भी मतलब नॉर्मली जो बाहर मतलब खड़े होते हैं तब भी हमारे ऊपर भी क्या होता है, एक एयर का प्रेशर होता है, ठीक है, और वो प्रेशर हमारा कितना होता है, द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमोस्फेरिक एंड एरिया 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इन साइड आर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। दोनों प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।